आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नवरात्रि व्रत स्पेशल थाली, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। दिन के टाइम में एक समय अगर आप ये व्रत थाली बनाकर खाते हैं तो आप पूरा दिन पेट भरा हुआ महसूस करते हैं और काफ़ी एनर्जेटिक भी। कुट्टू की पूरी बनाने के लिए स्पेशल टिप्स भी मैंने यहाँ पर शेयर की हैं, दही का रायता बनाने की टिप्स भी शेयर की हैं, तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा। प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। पसंद आए देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले हम बनाएंगे आलू की रसेदार सब्जी। इसके लिए मैंने एक चम्मच घी ऐड किया है कढ़ाई में, उसी के साथ ऐड किया है हाफ स्पून जीरा, 1 से 1.5 स्पून सूखा धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, उसी के साथ 2 कटी हुई हरी मिर्च, और मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 टमाटर कटा हुआ। टमाटर व्रत में कुछ लोगों के यहाँ खाया जाता है, कुछ के यहाँ नहीं खाया जाता है। अगर आपके यहाँ खाया जाता है तो आप टमाटर ऐड करें, अदरवाइज आप टमाटर को छोड़ दीजिए। बाकी सभी मसाले आपको इसी तरह से ऐड करने हैं। तो सबसे पहले मैं टमाटर को 2 मिनट तक फ्राई कर लूँगी ताकि टमाटर थोड़ा सा पक जाए। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ नमक स्वाद अनुसार। ये नमक सेंधा नमक है, क्योंकि व्रत में सेंधा नमक खाया जाता है, इसलिए मैंने सेंधा नमक ऐड किया है। अब मैंने आलू उबालकर पहले से ही रख लिए थे, तो कुछ प्रिपरेशन आपको करनी होती हैं जब भी आप व्रत की थाली बनाते हैं। आलू को आप पहले से ही उबालकर रख लीजिए, क्योंकि आलू बहुत सारी चीज़ों में यूज़ आएगा आपके व्रत में। तो इसीलिए मैंने 4 आलू हाथ से ही थोड़े थोड़े मैश कर लिए हैं। जब भी आप व्रत के आलू की सब्जी इस तरह से बनाते हैं तो आलू कभी भी चाकू से काट कर ना लें, हमेशा हाथ से ही थोड़े से मैश कर लीजिए, तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। अब मैं हाई फ्लेम पर इसको लगभग 5 मिनट तक ऐसे ही भून लूँगी। जब आलू टमाटर अच्छे से भुन जाएं, उस स्टेज पर आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए पानी, क्योंकि हमें इसे रसेदार सब्जी बनानी है। आप चाहें तो इसको सूखी सब्जी भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको रसेदार बना रही हूँ, तो लगभग 1 ग्लास पानी मैंने यहाँ पर ऐड किया है। अब मैं इसको हाई फ्लेम पर 5 मिनट तक पकाऊंगी, जब तक कि इसके अंदर एक उबाल ना आ जाए। तो इस तरह से पानी ऐड करते हुए मैंने इसको 5 मिनट तक पका लिया है। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उबाल आना स्टार्ट हो गया है। अब मैं बिल्कुल फ्लेम को लो कर दूंगी और लो फ्लेम पर इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। जब तक हमारे आलू की सब्जी तैयार होती है, तब तक हम बनाते हैं साबूदाना वड़ा। इसको बनाने के लिए मैंने साबूदाना पहले ही भिगो कर रखा हुआ था। साबूदाना किस तरह से भिगोएं कि इसका एक एक दाना अलग अलग बने, इसके लिए वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से चेकआउट कर लीजिए। अब जितना मैंने साबूदाना लिया है, उतने ही आलू मैंने ग्रेटर की सहायता से ग्रेट करके यहाँ पर ले लिए हैं। मीन्स कद्दूकस करके आप आलू लीजिए तो इसका स्वाद और टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा और टेक्सचर भी अच्छा आएगा। अब मैंने ऐड किया है कुछ हरी मिर्च बारीक काट कर, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, और उसी के साथ सेंधा नमक। केवल इतनी सी ही चीज़ें आपको ऐड करनी हैं, सभी को आपस में मैश करना है। मैश करने के बाद आप इसका डो लगा लीजिए, उसके बाद आप अपनी मनचाही शेप इनको दे सकते हैं। मैंने इसको राउंड शेप दिया है। अगर आपके हाथों में ये स्टिक हो रहा है, यानी कि चिपक रहा है, तो अपने हाथों को थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लीजिए और उसके बाद 1 by 1 करके आप सभी कटलेट्स इस तरह से तैयार कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी कटलेट्स बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम चलते हैं इनको फ्राई करने के प्रोसेस पर। तो यहाँ पर मैं तेल गरम होने के लिए रख दिया था। तेल जब अच्छे से गरम हो जाए, फ्लेम को एकदम लो कर दीजिए। लो फ्लेम पर 1 by 1 करके सारे के सारे साबूदाना कटलेट्स ऐड कर दीजिए। सबसे पहले हमें इन्हें 5 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाना है, और जैसे ही ये कटलेट्स तैर कर ऊपर आ जाएं, तब हमें फ्लेम को मीडियम कर देना है। अब मीडियम फ्लेम पर हम इसको टर्न कर देंगे। जब आप इसको पलटेंगे तब आप देख सकते हैं कि ये चिपक रहे हैं आपस में, तो चम्मच की सहायता से आप इसको अलग अलग कर दीजिए और फिर इसको पलट दीजिए। अब हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर 5 से 6 मिनट तक पकने देते हैं। साबूदाना वड़ा को अच्छे से पकाइए, हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी ना पकाएं। जब तक ये पक रहे हैं तब तक हम देखते हैं आलू की सब्जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आलू भी अच्छे से गाढ़े हो गए हैं। जब तक हमारे साबूदाने कटलेट्स बने हैं तब तक हमारी आलू की सब्जी तैयार हो गई है। तो बस हरे धनिया से गार्निश कीजिए और ढककर इसको रख दीजिए। तो आपकी यहाँ पर
एक सब्जी बनकर तैयार हो गई है। और अब हम देखते हैं साबूदाना वड़ा। तो साबूदाना वड़ा भी आप देख सकते हैं यहाँ पर गोल्डन ब्राउन कलर में आ गया है, बहुत ही परफेक्ट है। तो बस साबूदाना वड़ा को भी हम निकाल कर टिश्यू पेपर पर अलग रख लेते हैं। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट तैयारी में। तो अब मैं बनाकर तैयार करती हूँ रायता। रायता बनाने के लिए मैंने लिया है दही। दही आप देख सकते हैं काफी ज्यादा गाढ़ा है, काफी थिक है और ये घर का जमा हुआ ही दही है। अगर आप दही बनाने की टिप्स भी चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अब मैंने दही में ऐड किया है सेंधा नमक, थोड़ा सा भूरा यानी कि पाउडर शुगर भी आप ऐड कर सकते हैं, हाफ टी स्पून लगभग। जिस तरह से मैं आपको रायता सिखा रही हूँ ना, बहुत टेस्टी बनता है, इसी तरह से ट्राई कीजिए। थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर और साथ में थोड़ा सा पुदीना पाउडर, केवल इतनी ही चीजें हमें ऐड करनी है। सभी को आपस में मिक्स कीजिए। विस्कर की सहायता से मिक्स करेंगे तो इसका जो टेक्सचर होगा वो बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा। तो जब भी आप रायता बनाएं विस्कर की सहायता से उसको मिक्स जरूर कीजिए, ताकि उसका टेक्सचर काफी अच्छा है और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। अब आप चाहें तो इसको फ्रूट्स रायता बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल सिंपल रखा है। मैंने उबले हुए आलू को छोटे छोटे पीसेस में कट किया है और यहाँ पर मैं इसको ऐड कर दूंगी। तो इस तरह से हमारा जो आलू का रायता है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। लास्ट में आप इसको गार्निश कर दीजिए थोड़े से हरे धनिए के साथ। इस तरह से अगर आप रायता बनाएंगे, आई एम वेरी मच श्योर आपके घर में रायता सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और ये रायता बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। जब भी आप रायता बनाएं तो हमेशा इसको फ्रीज में उठाकर रख दीजिए, जिस टाइम सर्व करना है उसी टाइम फ्रीज से बाहर निकालें, अदरवाइज रायता खट्टा हो जाता है। रायता बनकर तैयार है। अब कुछ मीठे के लिए मैं यहाँ पर सिंपल रख रही हूँ, फ्रूट्स का मैं यहाँ पर यूज करूंगी। आपके घर पर जो भी फ्रूट्स अवेलेबल हैं आप उन फ्रूट्स को लीजिए और व्रत की थाली में जरूर शामिल कीजिए। ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी होते हैं और हमारे को नुकसान भी नहीं देते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है सेब, केला, कीवी, अनार हैं अगर आपके पास तो आप अनार का भी यूज कर सकते हैं। सभी को छील लीजिए, छीलने के बाद छोटे छोटे पीसेस में इसको कट कीजिए। तो इस तरह से मैं सभी फ्रूट्स को कट कर लूंगी। जब आप फ्रूट्स को इस तरह से कट करके सर्व करते हैं तो ये क्वांटिटी में भी थोड़े ज़्यादा लगते हैं और इनका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है और खाना भी ईजी हो जाता है। तो इस तरह से आप व्रत की थाली में बहुत तरह के फ्रूट्स शामिल कर सकते हैं जो हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी होते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर सेंधा नमक ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको बिल्कुल सिंपल छोड़ूंगी और ये फ्रूट्स खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं व्रत की थाली में। तो ये हमारी फ्रूट की एक कटोरी तैयार है। अब हम बनाते हैं कुट्टू की पूरी। तो यहाँ पर मैंने लिया है कुट्टू गिरी का आटा। ये आपको थोड़े से स्लेटी कलर में यानी कि ग्रे कलर में भी मिलता है और ये कुछ इस तरह से वाइट कलर में भी मिलता है। तो आपके मार्केट में जिस तरह का अवेलेबल है आप वो ले लीजिए। तो जितना मैंने आटा लिया है उसका आधा मैंने यहाँ पर आलू घिसकर ऐड कर दिया है। कुछ हरी मिर्च भी ऐड की हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी हरी मिर्च ऐड ना करें क्योंकि फिर पूरियां सही से फूल नहीं पाती हैं। थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है और थोड़ा सा सेंधा नमक, केवल इतनी ही चीज़ें ऐड करनी हैं। और अब आपको इसका एक डो लगाकर तैयार करना है, मीन्स जैसे आप आटा गूंथते हैं बिल्कुल उसी तरह से आपको इसका आटा लगाना है। पहले तो आप कोशिश कीजिए कि आलू की सहायता से ही ये बाइंड हो जाए, लेकिन अगर आपको लगता है कि थोड़ा कम पड़ रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने सभी रेसिपीज में देखा कि हमें उबले हुए आलू की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है, इसीलिए जब भी आप व्रत की थाली बनाने की सोच रहे हैं तो कम से कम 10 से 12 आलू पहले ही उबाल कर रख लीजिए, फिर आपका काम काफ़ी ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर डो लगकर है बिल्कुल तैयार। हम इसे केवल 5 मिनट का ही रेस्ट देंगे। जब भी आप कुट्टू के आटे की पूरी बनाते हैं तो ज़्यादा रेस्ट उसको नहीं दिया जा सकता है, अदरवाइज ये सॉफ्ट हो जाता है। तो इस तरह से मैं इसकी छोटी छोटी लोई बनाकर तैयार कर लूँगी। आपको जितने छोटे साइज़ की, बड़े साइज़ की, जिस भी तरह की पूरी आप खाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसकी लोई बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये पूरी अगर आप बहुत ज़्यादा पतली बेलते हैं तो ये फट जाती हैं, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए। जैसे कि मैंने ये वाली पूरी रोल की थी तो इस तरह से जब मैंने पूरी बनाई तो वो थोड़ा थोड़ा फट रही थी, इसलिए बाद में मैंने इसको थोड़ा मोटी शेप में रोल किया, तब वो पूरियाँ बहुत अच्छी उतर कर आई हैं। लेकिन आप देख सकते हैं ये वाली पूरी भी फूल तो गई थी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इसमें थोड़ा सा छेद हो जाता है, होल हो जाता है। तो वो परेशानी आपके साथ ना हो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पूरी को थोड़ा सा मोटा ही रोल कीजिए, जैसे कि मैंने ये वाली पूरी रोल की है।
तो जब आप ये वाली पूरी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पूरी का जो लुक है वो काफी अच्छा आया है। अगर पूरी थोड़ी सी आप मोटी रोल करेंगे तो ये पूरी देखिए कितनी बढ़िया फूली है और दोनों साइड से बहुत ही बढ़िया है। तो इसके लिए मैंने सूखे आटे में इसको रोल किया है और इसको हल्का हल्का सा इस तरह से बेल लिया है। पूरी ज़्यादा मोटी भी नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है और बिल्कुल परफेक्ट बनी है। तो इस तरह से मैंने सारी की सारी पूरी बनाकर तैयार कर ली है। अब हम झटपट से सर्व करते हैं अपनी व्रत की थाली, और ये थाली बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सर्व कर रही हूँ आलू की रसेदार सब्जी, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस लग रही है। लास्ट में जो भी चीज़ आप सर्व कर रहे हैं, हरे धनिए से ज़रूर गार्निश कीजिए, तो ये देखने में भी काफ़ी अच्छी लगती है और टेस्ट भी इसका बढ़ जाता है। आलू का रायता थोड़े से धनिया के साथ गार्निश कर दीजिए। साबुदाना वड़ा जो बहुत ही टेस्टी है और क्रिस्पी है। पूरियाँ जो हमने बनाकर तैयार की हैं, ये पूरियाँ ज़्यादा ऑयली भी नहीं होती हैं और रखने के बाद सॉफ्ट हो जाती हैं। अगर आपको पूरियाँ कुरकुरी पसंद आती हैं तो आप गरम गरम सर्व कीजिए, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं आज की ये नवरात्रि स्पेशल थाली आपको कैसी लगी। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और व्रत की स्पेशल रेसिपीज के साथ। अंटिल देन टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।